तो गाइज कैसे हैं आप लोग, हमेशा की तरह आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज का जो वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि आज हमारे पास एम्ब्रेन की तरफ से बजट में मिलने वाली एक तगड़ी सी स्मार्ट वॉच है, जिसका नाम है दोस्तों एम्ब्रेन मार्बल। इसे गाइज मैंने फ्लिपकार्ट से फर्स्ट सेल में 2099 में परचेज कर लिया था। पिछले कुछ दिनों से इस वॉच को दोस्तों मैं टेस्ट भी कर रहा हूं, और गाइज 2099 में काफी तगड़े से फीचर इस वॉच में आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको 1.43 इंच का एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है, और गाइस 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस में मिल जाएगा। ब्लूटूथ कॉलिंग जैसा भी फीचर देखने को मिलता है, और गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले भी मिल रहा है। बॉक्स को अनबॉक्स करेंगे, सारे फीचर आपको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, और गाइस हैवी टेस्टिंग के साथ रिव्यू करने वाला हूं। अगर आप इसे लेने की सोच रहे हो तो दोस्तों इस वाले वीडियो को देख के आपके सारे कंफ्यूजन ऑलमोस्ट दूर हो जाएंगे। तो गाइस वीडियो में लास्ट तक जरूर बन रहिए। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कॉन्टेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। गाइज पहले बॉक्स को देख लेते हैं। बॉक्स हमारा कुछ इस तरीके का मिलने वाला है। सामने की तरफ आपको एम्ब्रेन की ब्रांडिंग देखने को मिलेगी, और गाइज यहाँ पे इन्होंने मेंशन कर रखा है एमोलेड डिस्प्ले। इस साइड आएंगे तो दोस्तों यहाँ पे इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं, और दोस्तों बैक साइड में भी इन्होंने कुछ की हाईलाइट मेंशन कर रखे हैं। सारे वीडियो में कवर करूंगा। बॉक्स के अंदर आपको दो कार्ड्स देखने को मिल जाएंगे। इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप अपने यूजर मैनुअल को पढ़ पाएंगे, और दोस्तों इस वाले QR कोड को स्कैन करके आप अपनी वारंटी क्लेम कर पाएंगे। एक आपको मैग्नेटिक चार्जिंग केबल देखने को मिलता है पोगो पिन कनेक्टर के साथ। केबल की क्वालिटी दोस्तों मुझे बढ़िया लगी है, लेंथ भी इन्होंने काफी ठीक ठाक दे रखी है, तो दोस्तों काफी डिस्टेंस से आप अपनी वॉच को चार्ज कर पाएंगे। अब बात कर लेते हैं अपने स्मार्ट वॉच के बारे में। सबसे पहले दोस्तों इसकी बिल्ड और डिजाइन की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिजाइन मुझे काफी तगड़ा लगा है, और गाइस बिल्ड क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों डायल इन्होंने फुली मेटल से बनाया है। इसमें जो क्राउन बटन दे रखा है वो भी इन्होंने मेटल से बनाया है, और गाइस इसमें आपको फंक्शनल क्राउन बटन देखने को मिलता है, तो दोस्तों यहां से आप अपने वॉच पीसेस वगैरह चेंज कर पाएंगे। बैक साइड में आएंगे तो दोस्तों यहां पे इन्होंने पॉलीकार्बोनेट का यूज किया, सारे सेंसर चार्जिंग पिंस। इस साइड आपको स्पीकर ग्रिल देखने को मिलेगा, और गाइस यहां पे इन्होंने माइक्रोफोन लगाया है। स्ट्रैप की क्वालिटी की बात करूं तो दोस्तों ये आपको मेटल स्ट्रैप के साथ भी मिल रही है, और दोस्तों सिलिकॉन स्ट्रैप के साथ भी मिल रही है। दोस्तों मैग्नेटिक स्ट्रैप मुझे ज्यादा पसंद है, इसलिए इसे मैंने मैग्नेट स्ट्रैप के साथ परचेज कर लिया था। लेकिन गाइस मैग्नेट स्ट्रैप का डिसएडवांटेज मुझे ये लगा है, इस पे पानी वगैरह गिर जाएगा तो दोस्तों आपको प्रॉब्लम आ सकती है। लेकिन दोस्तों ये स्ट्रैप मुझे कंफर्टेबल काफी ज्यादा लगे हैं। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म यूज करोगे तो दोस्तों आपके हाथ में रैशेस वगैरह बिल्कुल भी नहीं आएंगे, और गाइस इसमें आपको रिप्लेसेबल स्ट्रैप देखने को मिल जाते हैं। इसके डिस्प्ले के बारे में बात करें तो दोस्तों पर्सनली मैं आप सभी को बताऊं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में इसका डिस्प्ले मुझे काफी तगड़ा लगा है। 1.43 इंच का इसमें आपको एमोलेड डिस्प्ले देखने को मिलता है 466x466 पिक्सल रेजोल्यूशन के साथ। तो दोस्तों डिस्प्ले में कलर्स वगैरह आपको अच्छे से दिखाई देते हैं, और दोस्तों डिस्प्ले की जो शार्पनेस है वो भी मुझे काफी तगड़ी लगी है। साथ ही साथ आपको मिल जाता है 1000 निट्स पीक ब्राइटनेस। तो दोस्तों आउटडोर की जो विजिबिलिटी है वो मुझे काफी गजब की लगी है। अभी गाइस इस वॉच को मैं आउटडोर में लेके खड़ा हूं, यहां पे काफी तेज धूप हो रही है, तब भी दोस्तों इसके डिस्प्ले मुझे अच्छे से दिखाई दे रहा है। अगर आप इसे आउटडोर में या धूप में यूज करोगे तो दोस्तों वहां पे आपको साइड लेने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी। और गाइस इसके डिस्प्ले पे जो 2.5D कर्व्ड ग्लास लगा है इन्होंने, उसकी वजह से इसका डिस्प्ले काफी बिंदास दिखाई देता है। और गाइस इसके डिस्प्ले पे ये वाला वॉच फेस मैंने इसलिए लगा लिया है जिससे आपको इसके डिस्प्ले पे बेजल्स वगैरह अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और की कनेक्टिविटी की बात करूं तो दोस्तों ग्लोरी फिट ऐप से आप इसे कनेक्ट कर पाएंगे, जो आपको ऐप स्टोर और प्ले स्टोर पे आसानी से मिल जाएगा। ऑलरेडी दोस्तों इस ऐप को मैंने डाउनलोड कर लिया और अपनी वॉच को कनेक्ट भी कर लिया है। ऐप की UI की बात करूं तो दोस्तों वो मैं आपको दिखा देता हूं। ऐप की UI कुछ इस तरीके से मिल जाती है। सबसे पहले दोस्तों आपको हेल्थ ओवरव्यू देखने को मिल जाता है, यहां से स्पोर्ट्स रिकॉर्ड ले पाएंगे। अगर आप डिवाइस में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से आप अपनी वॉच का मॉडल नंबर चेकआउट कर पाएंगे, और दोस्तों बैटरी स्टेटस को भी चेकआउट कर पाएंगे। यहां पे आपको मिल जाते हैं सारी नोटिफिकेशन, जैसे ब्लूटूथ कॉलिंग को ऑन ऑफ कर पाएंगे, वॉच फेसेस, हार्ट रेट मॉनिटर, ब्लड ऑक्सीजन मॉनिटर, कॉल रिमाइंडर, SMS रिमाइंडर, ऐप रिमाइंडर, सेडेंटरी रिमाइंडर, राइज टू बेकअप को ऑन ऑफ कर पाएंगे,
क्विक रिप्लाई को भी यहाँ से आप ऑन ऑफ कर पाएंगे, डू नॉट डिस्टर्ब देखने को मिलता है। और दोस्तों यहाँ पे आपको फ्रेमवेयर अपडेट भी मिल जाएगा, SOS भी कॉल मिल जाता है, यहाँ पे आपको मिल जाता है प्रोफाइल। तो दोस्तों ऐप मुझे ये काफी यूजफुल लगा है। वॉच को तो मैंने कनेक्ट कर लिया अपने डिवाइस में, अब इसकी UI और फीचर को भी चेकआउट कर लेते हैं। UI दोस्तों एकदम स्मूथ है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। अगर आप क्राउन बटन को रोटेट कर रहे हो तो दोस्तों यहाँ से इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फीचर्स आप चेंज कर पाएंगे। और गाइज ऐप में भी जाके आप इसके कुछ डिफॉल्ट वॉच फीचर्स चेंज कर पाएंगे, यहाँ पे आपको पूरी लाइब्रेरी देखने को मिल जाती है। अगर आपको डिस्प्ले पे अपनी फोटो वगैरह लगानी है तो दोस्तों कस्टम डायल में जाके आप अपनी फोटो वगैरह भी लगा पाएंगे डिस्प्ले पे। आप राइट टू लेफ्ट स्वाइप करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाते हैं शॉर्टकट कार्ड। सबसे पहले आपको एक्टिविटी रिकॉर्ड देखने को मिलता है, हार्ट रेट मॉनिटर, यहाँ पे आपको SpO2 मॉनिटर देखने को मिल जाता है, स्लीप मॉनिटर, यहाँ पे आपको म्यूजिक कंट्रोल देखने को मिल जाता है। तो दोस्तों आप अपने सॉन्ग को नेक्स्ट, प्रीवियस, प्ले, पॉज कर पाएंगे और गाइस वॉल्यूम को कम ज्यादा भी कर पाएंगे। यहाँ से दोस्तों आप अपने ब्लूटूथ ऑडियो को भी ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको वॉइस असिस्टेंट देखने को मिल जाएगा और दोस्तों यहाँ से टेम्परेचर भी चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको मिल जाते हैं गेम्स, तो दोस्तों ओनली आपको एक ही गेम देखने को मिलता है, वर्ड्स गेम। सो आप डाउन करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको शॉर्टकट पैनल देखने को मिल जाता है, बैटरी स्टेटस और डेट इधर से आप चेकआउट कर पाएंगे, D&D देखने को मिल जाएगा, टॉर्च। यहाँ से दोस्तों आप अपने मेन्यू व्यू को तीन तरीके से चेंज कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ब्लूटूथ कॉलिंग को ऑन ऑफ करने का फीचर मिलेगा, ब्राइटनेस एडजस्ट कर पाएंगे और गाइज यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। सेटिंग को दोस्तों आगे चेकआउट करेंगे। स्वाइप अप करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन सेक्शन। अगर आप लेफ्ट और राइट स्वाइप करो तो दोस्तों यहाँ पे आपको मेन्यू देखने को मिल जाता है। मेन्यू में सबसे पहले आपको ट्रेनिंग देखने को मिलता है, अगर आप ट्रेनिंग में जाए तो दोस्तों यहाँ से सारे स्पोर्ट्स मोड आप चेकआउट कर पाएंगे। अगर आपको कोई भी स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट करना है उस पर आपको टैप कर देना, आपका स्पोर्ट्स मोड स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ से आप अपने एक्टिविटी रिकॉर्ड को भी चेकआउट कर पाएंगे। यहाँ पे आपको SOS वगैरह देखने को मिल जाता है। अगर आप फोन में जाए तो दोस्तों यहाँ पे आपको कीपैड देखने को मिल जाता है। कीपैड दोस्तों काफी अच्छे से वर्क कर रहा था, यहाँ पे मुझे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आया। कॉल लॉक्स, कॉन्टैक्ट साइन करने का फीचर। अगर आप स्विच में जाए तो दोस्तों यहाँ से आप अपने ब्लूटूथ कॉलिंग को डायरेक्टली ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको हार्ट रेट मॉनिटर देखने को मिलता है, स्लीप मॉनिटर, SpO2 मॉनिटर मिल जाएगा, वेदर अपडेट ले पाएंगे, म्यूजिक कंट्रोल, नोटिफिकेशन सेक्शन, अलार्म सेट कर पाएंगे, ब्रीथ का भी ऑप्शन मिल जाता है। गेम्स में जा रहे तो दोस्तों यहाँ पे आपको ओनली एक ही गेम्स देखने को मिलता है, वॉइस असिस्टेंट। अगर आप फंक्शंस में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ पे आपको स्टॉप वॉच, टाइमर, फाइंड माई फोन का ऑप्शन, फ्लैश लाइट देखने को मिलता है और दोस्तों कैलकुलेटर वगैरह भी मिल जाता है। यहाँ पे आपको सेटिंग वगैरह देखने को मिल जाता है। अब गाइस इसके सेटिंग को भी चेकआउट कर लेते हैं। सेटिंग में सबसे पहले आपको वॉच फेसेस चेंज करने का फीचर मिलता है। अगर आप थीम्स में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपने मेन्यू को तीन तरीके से चेंज कर पाएंगे। ऑलवेज ऑन डिस्प्ले में जा रहे हो तो दोस्तों यहाँ से आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर पाएंगे। और गाइस ऑलवेज ऑन डिस्प्ले स्टाइल में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से दो तरीके से आप अपने ऑलवेज ऑन डिस्प्ले को ऑन ऑफ कर पाएंगे, डिजिटल और एनालॉग। अगर आप डिजिटल सेलेक्ट करें तो दोस्तों आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा, अगर आप एनालॉग सेलेक्ट करें तो दोस्तों आपका डिस्प्ले कुछ इस तरीके से दिखाई देगा। यहां पर आपको ब्राइटनेस एडजस्ट करने का फीचर मिलेगा, स्क्रीन टाइम को कम ज्यादा कर पाएंगे। अगर आप साउंड में जा रहे हो तो दोस्तों यहां से आप अपने रिंग का वॉल्यूम कम ज्यादा कर पाएंगे और दोस्तों फोन ऑडियो को ऑन ऑफ कर पाएंगे और दोस्तों रिंग टोन को भी ऑन ऑफ कर पाएंगे। यहाँ से दोस्तों वॉच का इन्फॉर्मेशन भी ले पाएंगे। यहाँ पर आपको पावर ऑफ करने का फीचर मिलता है, रीसेट और दोस्तों ऐप QR कोड मिल जाता है। यहाँ से दोस्तों पासवर्ड भी सेट कर पाएंगे आप अपने डिस्प्ले पे। ये थे वॉच के फीचर और UI दोस्तों एकदम स्मूथ है, यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और गाइस फीचर की बात करूं तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में फीचर भी दोस्तों इस वॉच में मुझे काफी तगड़े लगे हैं। ऑलमोस्ट सभी फीचर इस वॉच में आपको मिल जाते हैं। बैटरी बैकअप के बारे में बात करें तो दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था, पिछले कुछ टाइम से इस वॉच को मैं टेस्ट भी कर रहा था। दोस्तों इसे मैंने कॉलिंग के लिए यूज किया और विदाउट कॉलिंग भी यूज कर रहा था। अगर आप इसे कॉलिंग के लिए यूज करो तो दोस्तों वहां पे आपको लगभग 2 दिन का बैटरी बैकअप ये स्मार्ट वॉच आपको दे देगी। अगर आप इसे विदाउट कॉलिंग यूज करो तो दोस्तों वहां पे आपको मिल जाता है 6 से 7 दिन का बैटरी बैकअप। इसके सेंसर की एक्यूरेसी की बात करूं तो दोस्तों हर एक वीडियो में ये बात मैं आप सभी को बोलता हूं, अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो दोस्तों इन सब वॉच के सेंसर पे आपको बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं करना है, क्योंकि ये बजट फ्रेंडली स्मार्ट वॉचेस होते हैं। इसके सेंसर सिर्फ आप आइडिया लेने के लिए यूज क्या करो। अगर आपको कोई मेडिकल इमरजेंसी आती है तो दोस्तों आपको कोई मेडिकल इक्विपमेंट ही यूज करना है, तब भी दोस्तों मैं अपने प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर के साथ इसके सेंसर की रीडिंग आपको कंपेयर करके दिखा देता हूं, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके सेंसर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। हार्ट रेट की रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों मेरी वॉच में 81 बीट्स पर मिनट दिख रहा है और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 82 बीट्स पर मिनट दिख रहा था। तो दोस्तों यहां पे मुझे ऑलमोस्ट सेम रीडिंग देखने को मिल रहे थे। SpO2 मॉनिटर भी काफी अच्छे
जैसे वर्क कर रहा है मेरी वॉच में 98% अभी दिखा रहा है मेरे ब्लड में ऑक्सीजन है, और दोस्तों प्रोफेशनल ऑक्सीमीटर में 99 दिख रहा है। तो दोस्तों यहाँ पे भी मुझे ऑलमोस्ट सेम रीडिंग देखने को मिल रहे थे। सरफेस पे रखे इसके रीडिंग को चेकआउट किया तो दोस्तों यहाँ पे काफी टाइम हो चुका है, बट दोस्तों इसने कोई भी रीडिंग शो नहीं करे हैं। तो गाइस इसमें जो बियर टू डिटेक्ट वाला फीचर वो काफी अच्छे से वर्क कर रहा है। रही बात इसके कॉलिंग क्वालिटी की तो दोस्तों वो भी मैं आपको टेस्ट करके दिखा देता हूँ, जिससे आपको आइडिया लग जाएगा इसके माइक्रोफोन स्पीकर किस तरीके से वर्क कर रहे हैं। तो दोस्तों अपने फ्रेंड से कॉल लगाते देखते वो क्या बोलता है। हेलो हेलो हाँ Hello. क्या कर रहे हो, बिजी तो नहीं हो अभी आप? नहीं यार, मेरे पास एक एम्ब्रेन का स्मार्ट वॉच है, ठीक है, उसी से कॉलिंग कर रहा हूँ। तो ये बता सकते हो इसके माइक्रोफोन या किस तरीके से वर्क कर रहे हैं? माइक्रोफोन ठीक से काम कर रहे हैं, क्लियर वॉइस है। जो मैं बोल रहा हूँ आपको क्लियरली सुनाई दे रहा है? हाँ क्लियर सुनाई दे रहा है। ओके, कोई डिस्टॉर्शन वगैरह तो नहीं है? नहीं ऐसा कुछ नहीं है, नॉर्मल है। अच्छा, ऐसा तो नहीं लग रहा कि दूर से बात कर रहा हूँ, ऐसा कोई इशू नहीं? ऐसा भी कोई इशू नहीं है। अच्छा चलो ठीक है, थैंक यू। कॉल आने पे कुछ इस तरीके का नोटिफिकेशन आपको दिखाई देता है, जहां से आप अपनी कॉल को डिस्कनेक्ट और रिसीव कर पाएंगे। रिसीव करने के बाद आपको वॉल्यूम को कम ज्यादा करने का फीचर मिलेगा और गाइज म्यूट कर पाएंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे आपको कॉल को ट्रांसफर करने का फीचर नहीं मिलता है और गाइज आपको डिसकनेक्ट करने वाला फीचर मिल जाएगा। वॉच के कुछ एक्स्ट्रा फीचर के बारे में बात करें तो दोस्तों ये वॉच आपको IP68 रेटेड मिल रही है, तो दोस्तों फुली वॉशेबल, इसे पहन के आप हैंड वॉश करो कोई भी दिक्कत आपको नहीं आएगी, साबर वगैरह में यूज कर सकते हो, और दोस्तों वर्कआउट के दौरान अगर आपको स्वेटिंग वगैरह हो रही तब भी आप इसे यूज कर पाओगे, वहां पे भी आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। स्विमिंग करते टाइम अगर आप इसे यूज करना चाहो तो दोस्तों वहां पे आपको आधे घंटे से यूज नहीं करना है। वॉच को पहनने के बाद लुक कुछ इस तरीके का आने वाला है। डायल दोस्तों इन्होंने फुली मेटल से बनाया है, तब भी काफी ज्यादा लाइट वेट है, अगर आपने स्लीप ट्रैकिंग के लिए यूज कर रहे हैं तो दोस्तों वहां पे आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली। और गाइस इसमें जो बेक अप एंड राइज वाला फीचर वो भी बहुत अच्छे से वर्क करता है, बहुत जल्दी से आपका डिस्प्ले बेक हो जाता है। अब बात आती है 2099 में से आपको लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ऑलमोस्ट सभी फीचर मैंने आपको अच्छे से बता दिए हैं, तो डिसीजन आप खुद से भी ले सकते हो कि आपको इसे लेना है नहीं लेना है। अगर आपको मेरा ओपिनियन चाहिए तो दोस्तों इस प्राइस सेगमेंट में ये वॉच मुझे वैल्यू ऑफ मनी लगी है। अगर आपका बजट दोस्तों 2000 रुपए के आसपास है तो दोस्तों इस वॉच को आप जरूर एक बार चेकआउट कर सकते हैं। तो गाइज यही था एम्ब्रेन मार्बल स्मार्ट वॉच का अनबॉक्सिंग रिव्यू। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो दोस्तों एक लाइक जरूर कर देना। इसी तरीके का कंटेंट आगे भी आप देखना चाह रहे हो तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और गाइज बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो गाइज मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।